हे गाइस, मैं टेबल आ गया है एक और वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो होने वाली है स्नाइपर के ऊपर, स्पेशली फॉर स्नाइपर ब्लू स्टैक। कोई भी एमुलेटर ले लीजिए, मोस्टली दो स्नाइपर सेटिंग्स बहुत ज़्यादा यूज होती हैं और आज हम उन्हीं स्नाइपर सेटिंग्स पे बात करने वाले हैं। फर्स्ट है मूवमेंट वाला, मतलब ये साथ मिक के साथ चलते जाओ, बस मारते जाओ बिना स्कोप, धक्का धक मारते जाओ, नो रीलोड। और अब ये सेकंड वाला जो होगा, सेकंड क्या रहता है कि हम स्कोप को ऑन करेंगे, एम करेंगे, मारेंगे, मतलब ये सारी काम सिर्फ हम करेंगे एक बटन से। दो सेटिंग्स हैं, दोनों का काम एक बटन से होगा। ये सेकंड वाला सेटिंग, आपको बस कुछ नहीं करना है, एम करना है और एक बार बस सिर्फ एक सिंगल बटन प्रेस करना है और आप किसी भी रैंडम प्लेयर से ज़्यादा अच्छी स्नाइपिंग कर पाओगे। और आपके आप भी अपने एमुलेटर में ये वाली कंट्रोल सेटिंग कर लेते हो। चलिए फिर इन कंट्रोल सेटिंग्स पे देखते हैं, आ जाइए एमुलेटर की सेटिंग्स पे। एमुलेटर की सेटिंग भाई साहब अपनी अपनी गर्लफ्रेंड वाली सेटिंग नहीं। एमुलेटर में स्क्रिप्ट वाला बटन निकालिए, ड्रैग किया, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले लिखना पड़ता है टैप। आपको कोई भी स्क्रिप्ट लगानी है, स्टार्टिंग उसकी टैप से होती है। अब हमें चाहिए क्या, सबसे पहले है ना हम गन फायर करेंगे, फायर के बाद उसको करेंगे स्विच। तो पहले ये हम टैप के बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे फायर बटन पे। वेट का टाइम रखेंगे, वेट का आप अपने हिसाब से रख सकते हैं 3, 4, 5, जो भी आप रखना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पे 4 रखा है। अब करेंगे टैप डबल सेटिंग, ओके। इसमें एक बटन लगा लीजिए स्क्रिप्ट का, ये मैं लगाता हूँ चेक, ओके किया। अब मैं सिर्फ, मेरा ये कंट्रोल हो चुका है पूरा सेट, मेरे को सिर्फ अब एक सिंगल सिक्स बटन दबाना है जो मैंने इससे सेट किया हुआ है। और ये देखिए मेरा अपने आप फायर हो रहा है, बस आपको इसमें थोड़ा सा अपना एम अच्छा करना पड़ेगा कि आपका एम कहाँ पे आता है, क्योंकि स्नाइपर जब हम चलाते हैं बिना स्कोप के तो वो बीच में ना जो एक पॉइंट आता है वो मार्क नहीं आ रहा होता, तो वो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। या फिर इसकी जगह पे आप है ना ये लोल इमोजी वाला जो इमोट होता है वो लगा सकते हैं ईजिली। वैसे भी आप, अब एक दूसरा सेटिंग बताइए, ये है हमारा सेटिंग नंबर 2, ये मतलब स्नाइपर की सौतन। इसमें क्या करना होता है, हमने ऐसे ही सेम टैप दबाया, टैप के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, वही सेम सेटिंग है फायर, फर्स्ट फायर, वेट हमारा है 4। फिर इसके बाद में हम सेम गन स्विच करेंगे, डबल टैप किया, अरे गलती हो गया, हाँ, फिर अपना वेट टाइमिंग वही सेम 4 रहेगा। अब क्या हो गया, ये तो हमारे हो गए प्राणी। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा स्कोप को, टैप किया डबल, यहाँ पे स्कोप को ऐड किया, बस हमारा ये भी, हमारा दूसरा कंट्रोल सेटिंग ये भी कंप्लीट हो गया। इस पर मैं रखता हूँ 7 सपना की। अब ये हमारा स्कोप ऑन किया फायर, बस ये स्कोप अपने आप ऑन हो रहा है, मैंने सिर्फ एक मैं 7 दबा रहा हूँ, ये अपने आप स्कोप ऑन हो रहा है, गन स्विच भी कर रहा है, फायर भी कर रहा है। आपको बस क्या है, माउस से बस एम करना है, जिस इधर भी बंदा होगा उसको एम करना है और बस एक 7 बटन दबाना है। ये मैंने अपनी तरफ से 7 रखा है, आप जो भी मतलब 1, 2, 3, 4 जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से 7 रखा है। ऐसी और फ्री फायर की टिप्स एंड ट्रिक्स दीजिए, टैगा को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो को। और अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स पे चाहिए, प्लीज़ कमेंट कर में बताइए अपने, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियो अच्छी आपके लिए बना सकूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।